Thank you.
वो भी चाहिए होगा, ये जो डांस वगैरह कर रहे हैं उसके बीच का हो गया, राजस्थान सुविधाओं का अभाव है, जिन्हें जानकारी का अभाव है।
इसलिए वो केक को केक खाना बहुत पसंद है।
Thank you.
Thank you.
आइए आपको बताते हैं कि मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की आवश्यकता क्यों हुई और इसके क्या उद्देश्य हैं। मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना रवि वर्मा ने अपने बड़े भाई धर्मेंद्र वर्मा की सोच को आगे ले जाने के लिए की। धर्मेंद्र वर्मा का हमेशा से सपना था कि उन जरूरतमंद और मेहनती स्टूडेंट्स की मदद की जाए जो दुनिया में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय रहते साधन व संसाधन नहीं मिलने के कारण पिछड़ जाते हैं। उनको आगे लाने व अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए धर्मेंद्र वर्मा के पास सोच तो थी, लेकिन नौकरी करते हुए लगभग यात्रा पर रहने के कारण समय नहीं मिल पाना उनकी मजबूरी थी। यही मजबूरी रवि वर्मा की भी थी, क्योंकि रवि भी नौकरी करते थे और व्यस्त रहते थे। रवि वर्मा ने नौकरी छोड़ उन विद्यार्थियों की मदद करने की ठान ली और बड़े भाई की सोच को साकार करने के लिए चल पड़े। इस कार्य को सफल करने हेतु सर्वप्रथम मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में स्वयं सिद्धा एग्जाम के नाम से विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाकर कक्षा 5 से 12 के टैलेंटेड विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप प्रदान की। उनके प्रथम प्रयास की सफलता के बाद मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट ने दूसरे वर्ष फिर से कक्षा 5 से 12 के लगभग 27,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम में हिस्सा लिया और प्रथम 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप से नवाजा गया। कुछ और क्रांतिकारी परिणाम की आशा के साथ आपने मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों की राय जानी। उसके बाद तय किया गया कि विद्यार्थियों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जा सकती है। ई लर्निंग ही वह सुगम व श्रेष्ठ माध्यम है जिससे कम समय से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचा जा सकता है। बस यहीं से मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट सानिध्य में मेरी स्कॉलरशिप का आरंभ हुआ। ये पाठ्यक्रम और उच्च स्तर के अध्यापकों द्वारा बनाए हुए वीडियोस जिसे स्टूडेंट्स बार बार देखकर अपना कोर्स मटेरियल समझ सके और टेस्ट में पार्टिसिपेट कर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सके तथा विद्यार्थी स्कॉलरशिप एग्जाम में अव्वल आकर 5,00,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी प्रदान कर सकते हैं। अभी मेरी स्कॉलरशिप कक्षा 5 तक की अध्ययन सामग्री लेकर आई है। आपको यह जानकारी भी देते हुए हमें अत्यंत खुशी महसूस हुई है कि आगे आने वाले समय से बहुत जल्द मेरी स्कॉलरशिप में IIT, NEET, IAS, RAS, RJS, NDA, CDS, CPT, SSC, Bank, Manchester, इसमें शामिल किया जाएगा। इसी संदर्भ में यह भी तय हुआ कि शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में खिलाड़ियों में भरमार प्रतिभा छुपी हुई है। मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में ही
छुपी हुई प्रतिभाओं को अच्छे प्लेटफॉर्म पर खिलवाने व इन खिलाड़ियों को गांवों से राज्य स्तर पर ले जाने के लिए ट्रस्ट ने क्रिकेट फेस्ट इंडिया का आयोजन करने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप आज मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में मेरी स्कॉलरशिप तथा क्रिकेट फेस्ट इंडिया आयोजन होने जा रहा है। इस उद्घाटन अवसर पर आप सभी सम्माननीय एवं मां छाया चैरिटेबल ट्रस्ट का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आइए आपको बताते हैं कि मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की आवश्यकता क्यों हुई के क्या उद्देश्य हैं। मात्र चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना रवि वर्मा ने अपने बड़े भाई धर्म आगे ले जाने के लिए की। धर्मेंद्र वर्मा का हमेशा से सपना था कि उन जरूरतमंद और मेहनती स्टूडेंट्स की मदद की जो दुनिया में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय रहते साधन व संसाधन नहीं मिलने के कारण पिछड़ जाते हैं। उनको आगे लाने व अग्रिम पंक्ति करने के लिए धर्मेंद्र लेकिन नौकरी करते हुए लगभग यात्रा पर रहने के कारण समस्याएं हल करने हेतु सर्वप्रथम मात्र चैरिटेबल के सानिध्य में स्वयं सिद्धा एग्जाम के नाम विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाकर कक्षा 5 से 12 के टैलेंटेड विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप प्रदान की। उनके प्रथम प्रयास की सफलता के बाद मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट ने दूसरे वर्ष से कक्षा 5 से 12 के लगभग 27,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम में हिस्सा लिया और प्रथम 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप से नवाजा गया। कुछ और क्रांतिकारी परिणाम की आशा के साथ आपने मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों की राय जानी। उसके बाद तय किया गया कि विद्यार्थियों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जा सकती है। ई लर्निंग ही वह सुगम व श्रेष्ठ माध्यम है जिससे कम समय से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचा जा सकता है। बस यहीं से मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कॉलरशिप आरंभ हुआ। अच्छे अध्यापकों द्वारा बने हुए जिससे स्टूडेंट्स बार बार देखकर कोर्स मटेरियल समझ सके, समय से बहुत जल्द मेरी स्कॉलरशिप आईआईटी नीट आईएएस आरएएस आरएस सीडीएस सीपीटी एसएससी व बैंक एग्जाम जैसे कोर्सेज भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी संदर्भ में यह भी हुआ कि शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में खिलाड़ियों में भरमार प्रतिभा छुपी हुई है। मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम में छुपी हुई प्रतिभाओं को अच्छे प्लेटफॉर्म पर खिलाने और इन खिलाड़ियों को गांव से राज्य पर लाने के लिए ट्रस्ट ने क्रिकेट फेस्ट इंडिया का आयोजन करने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप आज मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में मेरी स्कॉलरशिप क्रिकेट इंडिया आयोजन होने जा रहा है। इस उद्घाटन के पावन अवसर पर आप सभी सम्माननीय एवं आदरणीय अतिथियों का मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आइए आपको बताते हैं,
मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की आवश्यकता क्यों हुई और इसे क्या उद्देश्य है? मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्मा ने बड़े भाई धर्मेंद्र वर्मा की सोच को आगे ले जाने के लिए की। धर्मेंद्र वर्मा का हमेशा से सपना था कि उन जरूरतमंद और मेहनती स्टूडेंट्स की मदद की जाए जो दुनिया में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय रहते साधन व संसाधन नहीं मिलने के कारण पिछड़ जाते हैं। उनको आगे लाने व अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए धर्मेंद्र वर्मा के पास सोच तो थी, लेकिन नौकरी करते हुए लगभग यात्रा पर रहने के कारण समय नहीं मिल पाना उनकी मजबूरी थी। यही मजबूरी रवि वर्मा की भी थी, क्योंकि रवि भी नौकरी करते थे और व्यस्त रहते थे। रवि वर्मा ने नौकरी छोड़ उन विद्यार्थियों की मदद करने की ठान ली और बड़े भाई की सोच को साकार करने के लिए चल पड़े। इस कार्य को सफल करने हेतु सर्वप्रथम मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में स्वयं सिद्धा एग्जाम के नाम से विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाकर कक्षा 5 से 12 के टैलेंटेड विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप प्रदान की। उनके प्रथम प्रयास की सफलता के बाद मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट ने दूसरे वर्ष फिर से कक्षा 5 से 12 के लगभग 27,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम में हिस्सा लिया और प्रथम 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप से नवाजा गया। कुछ और क्रांतिकारी परिणाम की आशा के साथ आपने मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों की राय जानी। उसके बाद तय किया गया कि विद्यार्थियों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जा सकती है। ई लर्निंग ही वह सुगम व श्रेष्ठ माध्यम है जिससे कम समय से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचा जा सकता है। बस यहीं से मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में मेरी स्कॉलरशिप का आरंभ हुआ। अच्छे पाठ्यक्रम और उच्च स्तर के अध्यापकों द्वारा बनाए
वीडियोस जिसे स्टूडेंट्स बार बार देखकर अपना कोर्स मटेरियल समझ सके और टेस्ट में पार्टिसिपेट कर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सके तथा विद्यार्थी स्कॉलरशिप एग्जाम में अव्वल आकर 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप भी प्रदान कर सकते हैं। अभी मेरी स्कॉलरशिप कक्षा 5 से 12 तक की अध्ययन सामग्री लेकर आई है। आपको यह जानकारी भी देते हुए हमें अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि आने वाले समय से बहुत जल्द मेरी स्कॉलरशिप में IIT, NEET, IAS, NDA, CDS, CPT, SSC, बैंक एग्जाम जैसे क्विज भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी संदर्भ में यह भी तय हुआ कि शिक्षा के साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव ढाणी ढाणी में खिलाड़ियों में भरमार प्रतिभा छुपी हुई है। मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में ही छुपी प्रतिभाओं को अच्छे प्लेटफॉर्म पर खिलवाने व इन खिलाड़ियों को गांवों से राज्य स्तर पर ले जाने के लिए
ट्रस्ट ने क्रिकेट फेस्ट इंडिया का आयोजन करने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप आज मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में मेरी स्कॉलरशिप तथा फेस्ट इंडिया आयोजित जा रहा है। इस अवसर आप सभी सम्माननीय एवं आदरणीय अतिथियों का मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आइए आपको बताते हैं कि मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की आवश्यकता क्यों हुई, इसके क्या उद्देश्य हैं। मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना रवि वर्मा ने अपने बड़े भाई धर्मेंद्र वर्मा की सोच को आगे ले जाने के लिए की। धर्मेंद्र वर्मा का हमेशा से सपना था कि उन जरूरतमंद और मेहनती स्टूडेंट्स की मदद की जाए जो दुनिया में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय रहते साधन व संसाधन नहीं मिलने के कारण पिछड़ जाते हैं। उनको आगे लाने व अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए धर्मेंद्र वर्मा के पास सोच तो थी, लेकिन नौकरी करते हुए लगभग दाता पर रहने के कारण समय नहीं मिल पाना उनकी मजबूरी थी। यही मजबूरी रवि वर्मा की भी थी, क्योंकि रवि भी नौकरी करते थे और व्यस्त रहते थे। रवि वर्मा ने नौकरी छोड़ उन विद्यार्थियों की मदद करने की ठान ली और बड़े भाई की सोच को साकार करने के लिए चल पड़े। सर्वप्रथम मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में स्वयं सिद्धा एग्जाम के नाम से विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाकर कक्षा 5-12 के टैलेंटेड विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप प्रदान की। उनके प्रथम प्रयास की सफलता के बाद मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट ने दूसरे वर्ष फिर से कक्षा 5-12 के लगभग 27,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम में हिस्सा लिया। प्रथम 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नवाजा गया। कुछ और क्रांतिकारी परिणाम की आशा के साथ आपने मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों की जानी। उसके बाद तय किया गया कि विद्यार्थियों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जा सकती है। ई लर्निंग ही वह सुगम व श्रेष्ठ माध्यम है जिससे कम समय से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचा जाता है। बस यहीं से मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में मेरी स्कॉलरशिप का आरंभ हुआ। अच्छे पाठ्यक्रम और उच्च स्तर के अध्यापकों द्वारा बनाए हुए वीडियोस, जिससे स्टूडेंट्स बार-बार देखकर अपना कोर्स मटेरियल समझ सके और टेस्ट पार्टिसिपेट कर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सके, तथा विद्यार्थी स्कॉलरशिप एग्जाम में अव्वल आकर 5,00,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी प्रदान कर सकते हैं। अभी मेरी स्कॉलरशिप कक्षा 5-12 तक की अध्ययन सामग्री लेकर आई है। जानकारी भी देते हुए हमें अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि आगे आने वाले समय से बहुत जल्द मेरी स्कॉलरशिप में IIT, NEET, IAS, RAS, RJS, NDA, CDS, CPD, SSC व बैंक एग्जाम जैसे कोर्सेज भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी संदर्भ में यह भी तय हुआ कि साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में खिलाड़ियों में भरमार प्रतिभा छुपी हुई है। मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में छुपी प्रतिभाओं को अच्छे प्लेटफॉर्म पर खिलाने व इन खिलाड़ियों को गांवों से राज्य स्तर पर ले जाने के लिए ट्रस्ट ने क्रिकेट फेस्ट इंडिया का आयोजन करने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप आज मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में मेरी स्कॉलरशिप तथा क्रिकेट फेस्ट इंडिया आयोजन होने जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर आप सभी सम्माननीय एवं आदरणीय अतिथियों मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आइए आपको बताते हैं कि मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की आवश्यकता क्यों हुई और इसके क्या उद्देश्य हैं। मात्र छाया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना रवि वर्मा ने अपने बड़े भाई धर्मेंद्र वर्मा की सोच को आगे ले जाने के लिए की। धर्मेंद्र वर्मा का हमेशा से सपना था कि उन जरूरतमंद और मेहनती स्टूडेंट्स की मदद की जाए जो दुनिया में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय रहते साधन व संसाधन नहीं मिलने के कारण पिछड़ जाते हैं। उनको आगे लाने व अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए धर्मेंद्र वर्मा के पास सोच थी, लेकिन नौकरी करते हुए लगभग यात्रा पर रहने के कारण समय नहीं मिल पाना की मजबूरी थी।
यही मजबूरी रवि वर्मा की भी थी, क्योंकि रवि भी करते थे और व्यस्त रहते थे। रवि वर्मा ने नौकरी छोड़ उन विद्यार्थियों की मदद करने की ठान ली और बड़े भाई की सोच को साकार करने के लिए चल पड़े। इस कार्य को सफल करने हेतु सर्वप्रथम मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य से विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाकर कक्षा 5 से 12 के टैलेंटेड विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप प्रदान की। उनके प्रथम प्रयास की सफलता के बाद मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट ने दूसरे वर्ष फिर से कक्षा 5 से 12 के लगभग 27,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम में हिस्सा लिया और प्रथम 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप से नवाजा गया। कुछ और क्रांतिकारी परिणाम की आशा के साथ आपने मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों की राय जानी। उसके बाद तय किया गया कि विद्यार्थियों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जा सकती है। ई लर्निंग ही वह सुगम श्रेष्ठ माध्यम है जिसे कम समय से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचा जा सकता है। बस यहीं से मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के साध्य में मेरी स्कूल आरंभ हुआ। अच्छे पाठ्यक्रम और उच्च स्तर के अध्यापकों द्वारा बनाए हुए वीडियोस, जिसे स्टूडेंट्स बार बार देखकर अपना कोर्स मटेरियल समझ सके और टेस्ट में पार्टिसिपेट कर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सके, तथा विद्यार्थी स्कॉलरशिप एग्जाम में अव्वल आकर 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप भी प्रदान कर सकते हैं। अभी मेरी स्कॉलरशिप कक्षा 5 से 12 तक की अध्ययन सामग्री लेकर आई है। आपको यह जानकारी भी देते हुए हमें अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि आगे आने वाले समय से बहुत जल्द मेरी स्कॉलरशिप में IIT, NEET, IAS, RAS, RJS, NDA, CDS, CPT, SSC व बैंक एग्जाम जैसे कोर्सेज भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी संदर्भ में यह भी तय हुआ कि शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में खिलाड़ियों में भरमार प्रतिभा छुपी हुई है। मातृ छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में ही छुपी हुई प्रतिभाओं को अच्छे प्लेटफॉर्म पर खिलवाने व इन खिलाड़ियों को गांवों से राज्य स्तर पर